पैडी जो कि बादशाह है, जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। डॉन इन मुंबई कैन डांस वाला खतरनाक डॉन, दाऊद इब्राहिम भी इनके सामने कुछ नहीं है, इतना खतरनाक इनका रोल है आप देख सकते हैं। और बहुत ही मैं शुक्रिया अदा आपका भी करना चाहती हूँ पैडी के, आपने मेरे साथ आइटम सॉन्ग में अपना आपका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया लगा, आपकी मेरी जो जो ट्यूनिंग है फिल्म में बहुत ही बढ़िया मुझे अच्छी लगी, आपके स्पेशली डायलॉग डिलीवरी, और फर्स्ट टाइम आप कैमरा फेस कर रहे हैं इसमें, आपका भी डेब्यू है, हाशिमा जी का भी डेब्यू है, तो बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले मैं डेफिनेटली अपने प्रोड्यूसर साहब जी, राकेश जी, रंजीत जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे कमबैक में ये कैरेक्टर दिया। और यस मेरे फेवरेट कोरियोग्राफर, आई लव हिम, उनका नाम है मास्टर जी, गणेश मास्टर जी, प्लीज गिव अ बिग हैंड टू मास्टर जी, मास्टर जी प्लीज। ये मेरा सौभाग्य था कि एक जो मैंने दे दी परमिशन, जो गाना है वो मास्टर जी ने किया और इतना बढ़िया उन्होंने किया, और मुझे बहुत मेरा सौभाग्य है, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मास्टर जी के ये गाना आपने किया मेरे साथ, और मैं पूरी टीम का, जितने भी कलाकार, राजप्रेमी जी प्लीज़ आइए ना, उस्मान खान जी प्लीज़ आइए, मैं पूरी टीम का मैं बहुत ही दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं, और सचिंदर जी से लेके सभी का के मुझे मौका दिया गया और मेरा कमबैक हुआ, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मास्टर जी कुछ कहेंगे? मैं ये कहूँगा मुंबई कैन डांस वाला ऑल द बेस्ट फुल टीम को, सचिंदर, राखी, आशिमा, पैरी और जितनी टीम है, बहुत ही मेहनत की ना, मैंने भी थोड़ी बहुत मेहनत की जो देख रहे हैं आप लोग गाने में, ऑल द बेस्ट, बस ये फिल्म हिट हो, आप लोग इनको हिट कराइए प्लीज। मास्टर जी का आशीर्वाद मिल गया है। राजप्रेमी जी से भी जानना चाहेंगे कि इस फिल्म के साथ जुड़ना कैसा लगा। राजप्रेमी जी, थैंक यू वेरी मच सबसे पहले तो मुझे स्टेज पे बुलाने के लिए। मैं सचिंदर जी के साथ बहुत सालों से जुड़ा हुआ हूँ, मैंने उनके साथ काफ़ी फिल्में की जो उन्होंने लिखी थी। इस फिल्म में भी सचिंदर जी का एक दिन फ़ोन आया कि भाई आपको आना है। मेरा रिश्ता सचिंदर जी के साथ ऐसा है कि वो मुझे 24 घंटे कभी भी फ़ोन कर सकते हैं और 24 घंटे में कभी भी बुला सकते हैं। तो इस फिल्म में भी मैं एक छोटा सा लेकिन अहम किरदार निभा रहा हूँ पंडित का, और मुझे बहुत अच्छा लगा इनके साथ काम करके, रंजीत जी के साथ काम करके। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि इन्होंने, एक कलाकार को सबसे ज़्यादा इज्जत चाहिए होती है, और इन्होंने वो बराबरी की इज्जत दी हर कलाकार को, किसी को बड़ा और किसी को छोटा नहीं समझा। तो बस मैं प्रे करूंगा कि ये फिल्म हिट हो जाए, 2 तारीख को आप सब देखिए और आशीर्वाद दीजिए, राखी जी को भी दीजिए, राखी जी का कमबैक है, और उस्मान खान साहब, और डेफिनेटली 2 जनवरी को फिल्म रिलीज होने वाली है। हमारे प्रशांत नारायण जी भी इस फिल्म में हीरो हैं, बट वो अभी आने वाले थे, बट आई एम सो सॉरी, उनकी तरफ से मैं माफ़ी चाहती हूँ कि वो प्रशांत जी, आदित्य पंचोली जी, मुकेश तिवारी जी, बहुत सारे, मतलब बिल्कुल कहते हैं कि बूंद बूंद से पूरा समंदर बनता है, तो इसमें शक्ति कपूर जी डेफिनेटली सभी लोग हैं इसमें, बट क्योंकि शेड्यूल और सडनली ये मीटिंग रखी गई, हमारे मिका साहब ने हमको थोड़ा सा वक्त दे दिया और बस उन्हीं का इंतज़ार हो रहा है, हम सभी उनका इंतज़ार कर रहे हैं और बस वो पहुंचने वाले, ये मेरे ख्याल से नीचे आ चुके हैं नीचे, बस अभी हेलीकॉप्टर से सीधा ऊपर आएंगे आने वाले हैं, मैं भी उनका बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। और डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया फिल्म बनी है, मेरा भी इसमें बहुत ही खतरनाक नेगेटिव शेड है। मैं आपको चैलेंज देती हूँ कि ये फिल्म देखने के बाद मेरा रोल, जो नेगेटिव रोल है वो देखने के बाद, जो आप हेलन जी, बिंदु जी, अरुणा जी, कजौल ने जो गुप्त में किया था कैरेक्टर, प्रियंका ने जो बहुत सारे कैरेक्टर ऐतराज में किया था, वैसा ही मेरा बहुत ही चैलेंजिंग कैरेक्टर सचिंदर शर्मा जी ने लिखा, और जब उन्होंने मुझे सुनाया तो मैंने कहा कि प्लीज़ मुझे ले लो प्लीज़, मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट करी है, फिर उन्होंने मुझे कास्ट किया, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ सचिंदर शर्मा जी की। और कौन बोलेगा? उस्मान खान साहब, अभी हमारे उस्मान जी बोलेंगे, एक मिनट, इसके बाद Q&A है, तो अपने सवाल तैयार रखिए। मैं ता बोलूं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है, एक्चुअली मेरा इसमें ये कैरेक्टर है जो
जो सचिंदर जी ने मुझे दिया है. फ्रेंकली स्पीकिंग, इट्स ऑनर टू बी हियर. आई एम नॉट केपेबल फॉर दिस पोस्ट, लेकिन मुझे सचिंदर जी ने और रंजीत जी ने मुझे मौका दिया है. फिल्म के बारे में क्या बोलूँगा, इतने सब दिग्गज लोग खड़े हैं, सब ने बहुत कुछ बोल दिया है. इतना ज़रूर बोलूँगा कि ये फिल्म सचिंदर जी ने और शर्मा जी ने बहुत ही मेहनत के साथ में बनाई है, और हम सब लोगों के गुड विशेज इस फिल्म के साथ में हैं. सब दुआ करेंगे कि ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाए. थैंक यू वेरी मच.